हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर अपने चैनल के प्लेटफॉर्म सेवल डायरी से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ आज मैं, और वीडियो जो जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि लर्न ऑटो कैड एंड अर्न मनी, और पांच तरीके मैं बताऊँगा जिससे आप कोशिश करके पैसे कमा सकते हो। अगर आप वो फ्रेंड्स जिसने सिर्फ DIE किया हो, डिप्लोमा किया हो सेवल का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी हो ना, और दूसरी बात ये अगर वो ऐसे लोग भी हैं जिसने BTech किया हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और BSc की हो, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, तो जैसे सेवल की जॉब, और आजकल तो कोरोना वायरस भी आया हुआ है तो एक टफ सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन आप अपने घर में बैठ के या किसी के साथ ऑफिस में अटैच हो के, मतलब ज़्यादातर गर्मी ही कर सकते हैं आप, तो ऑटो कैड पे काम करके आप ऑनलाइन भी कमा सकते हो। आप उसका दूसरा ये कि ऑनलाइन अगर ना हो तो आप अपने इलाके एरिया सोसाइटी में कमा सकते हो। इसके कुछ तरीके हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेकिन उस सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको पांच वीडियो तरीके बताऊंगा जहां से आप इंशाल्लाह अगर एक आप अच्छी तरह AutoCAD सीख के, जो मैं कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो अगर आप वीडियो देखते रहो मेरे चैनल की जहां पे मैं AutoCAD का बता रहा हूं, तो आप AutoCAD सीख के आगे फिर काम कर सकते हो और आप घर बैठे भी कमा सकते हो AutoCAD के ज़रिए। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो नीचे लाइक एंड शेयर करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि नीचे कमेंट में मेंशन किया करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो चलो चलते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये कि कमाना कैसे है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने AutoCAD सीखनी है, और AutoCAD अगर सीखना है तो फिर आप लोगों ने जो भी हो, मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो देखा करो, लेकिन मैं AutoCAD की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मतलब पांच छः वीडियो में आप लोगों को 2D और 3D का कंप्लीट बता दूँ, ताकि आप लोग फिर काम कर सको जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर कोई जल्दी में लगा हुआ है ना। तो आप 6-7 वीडियो का अगर कंप्लीट देखते हो तो आसानी होगी उसमें कि आप पूरे एक बिल्डिंग का नक्शा कैसे 3D और 2D में ड्रा कर सकते हो। तो पहले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक मेरा ये है कि अर्न कैसे करना है AutoCAD एंड होम। AutoCAD एंड होम मतलब वैसे मैंने रेंडमली आप लोगों के लिए तैयार किया है, कोई इतना प्रॉपर वर्क नहीं किया, लेकिन AutoCAD एंड होम मीन कि आप अगर AutoCAD पे काम कर सकते हो तो आप घर में बैठ के किसी के लिए काम करके कमा सकते हो। तो फर्स्ट जिसमें मैंने रखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे, वो है प्रॉपर्टी डीलर। अब प्रॉपर्टी डीलर जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में भी इस तरह ही होगा इंशाल्लाह, आई होप, लेकिन जब ये मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स इंडियन भी हैं तो आई होप उसको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ आप भी बताया करें, इंग्लिश में थोड़ी बहुत मैं बात कर सकता हूँ। सो प्रॉपर्टी डीलर मीन के आप अगर कोई बंदा है जो प्लाट ले के बेचता है, परचेज करके सेल करता है, तो उसके साथ मतलब अगर प्लाट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो जो आएगा कस्टमर उसका कि मैंने प्लाट लेना है 10 मरले 5 मरले का नाल, तो वो उसमें यह है कि आप उससे अगर रابطہ बनाते हो, उससे कॉन्टेक्ट मतलब फ्रेंडशिप टाइप की कर लेते हो, या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लाइक कि आप जो भी आपसे आए कि मैंने प्लाट लेना है और आप मेरे लिए प्लाट ढूंढे और मैं उस पर घर बनाना चाहता हूँ, मैं उस पर मार्केट बनाना चाहता हूँ, तो उससे फिर ये है कि आप ये भी साथ उसके साथ, क्योंकि लोगों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो आप उसके साथ ये कॉन्टेक्ट कर ले कि यार जो भी आता है, तो जो भी अपने घर का अपने मार्केट जो भी होगा उसका, अगर किसी ने ड्राइंग बनाना है, नक्शा बनाना है, तो आप मुझे दिया करें, मैं बनाया करूँगा, उसमें आपको 30%, 40%, 20% जो भी आपकी डन होती हैं बात, तो मैं डील उस पर मतलब जो आपकी होती हैं उस पर मैं आपको दिया करूँगा। अगर मुझे 100 मिलते हैं तो 30 उसमें आपके प्रॉपर्टी डीलर के साथ, अगर आप इस तरह करोगे एक डील करके, आप पैसे कमा सकते हो। वो आपको बताएगा कि हाँ ये घर बन रहा है, और घरों में आपको पता है कि
पाँच माले दस माले का प्लॉट होता है उसमें दो ही छत होते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर से बेसमेंट कर लो तो इतना मुश्किल भी नहीं रहता। हाँ कुछ ना किसी का तो कॉपी पेस्ट ही कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाते हैं जिसमें आपने उसको उसके मुताबिक तैयार करनी होती है, तो इतना मुश्किल भी नहीं। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को अच्छी तरह रिवाइज करके देखा करो तो आप लोग उसको अगर सीखोगे। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी तीन चार वीडियो बनाऊँ जिसमें एक दो में 2D हो, एक दो में एक आध में 3D का कंप्लीट बताया हो, ताकि आप उसको चार पांच वीडियो को देख के आराम से 30 मिनट की हो 20 मिनट की हो तो आप आगे बढ़ो। तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ आप इस तरह कर सकते हो पार्टनरशिप या डील करके आपको मिल सकते हैं कस्टमर। दूसरा आ जाता है हाउस कॉन्ट्रैक्टर। ये सेम तरह प्रॉपर्टी डीलर के साथ अगर आपकी बात नहीं बनती तो आप हाउस कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्टर जहाँ पे आप जाके, मतलब जो ऐसे लोग ज़्यादातर होते हैं प्राइवेट छोटे जो लोगों के लिए घर बनाते हैं, तो इसके भी बहुत से कस्टमर होते हैं जो आपको, मतलब उसको पता रहता है कि इस बंदे ने अभी हमें बताया हुआ है कि मैंने घर बनाना है, प्लाट देखो हमारे लिए ये, या मैं प्लाट देख रहा हूँ मैंने घर बनाना है या उसने घर बनाना है, तो उसको भी ज़्यादातर पता रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो उसको फ़ायदा उसको भी होगा और आप उसको यही डील कर सकते हो। प्रॉपर्टी डीलर का सेम इसी तरह है कि मैं बना के दूंगा, आपने घर बनाना है तो मैं नक्शा में बना के दूंगा, इस तरह आप उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी कि ये उसके साथ ये बंदा AutoCAD ऑपरेटर भी है जो प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको अलग सी एडवांटेज होगी और आपका काम चल सकता है। तीसरे पे आ जाते हैं। अब ये बात इसमें आपने अपनी तरफ से, जैसे एक टाउन है छोटा सा लाइक अब KDA हो गया, PDA हो गया, या इस तरह छोटे मोटे टाउन जो देहाती या छोटे शहरों में होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ओन ऑफिस इन होम टाउन, लाइक इसका मेरा मतलब कहने का ये है कि आप अगर सपोज़ यहाँ पे आपके टाउन है, मतलब लोग धड़ाधड़ घर बना रहे, तो आप अपने इलाके में घूमो फिरो और वहाँ पे जो भी होगा उससे आप ये कर सकते हो कि यार जो आपने घर बनाना है तो मैं आपके लिए नक्शा तैयार कर सकता हूँ लो रेट पे, आप पहले से शुरू करो। अगर कोई फॉर एग्जांपल 100 पे बना रहा है तो आप कहो कि मैं 50 पे बना के दूंगा, वैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप जाके प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठा करो, कोई आएगा कि यार मैंने प्लाट लेना है, चलो वो चला गया, तो आप इसके साथ डील के बग़ैर भी उसके पीछे जाके मतलब जिसने प्लाट लिया या प्लाट की बात की तो आप जाके या उससे कांटेक्ट लेके कांटेक्ट एड्रेस वगैरह लेके उसके साथ कांटेक्ट किया करो कि यार आपने अभी प्लाट का कहा हुआ है कि मैंने प्लाट लेना या ले लिया है आपने, तो मैं AutoCAD ऑपरेटर हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ अगर आप अगर चाहो तो चीप रेट में, आप क्यों ना मैं आपको दिखा के मतलब बना के दिखा सकता हूँ अगर आप चाहो तो, इस तरह आप उससे अपने कस्टमर बना सकते हो। अब चौथी पॉइंट मेरी ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आई थिंक सबको इसमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अगर इन तीनों में आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे आके ऑनलाइन ये पॉइंट जो है इसको ये मेन पॉइंट है मेरा, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप कर सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग। मीन के अब नाम मैंने वैसे रेंडमली दिए हुए हैं लेकिन आप इसे अंडरस्टैंड करो, ऑनलाइन मार्केटिंग ये है आपकी कि आप अगर सपोज़ फाइवर पे आप गिग बनाओ, उसका मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि एक दिन फाइवर पे किस तरह करते हैं ऑनलाइन अर्निंग, तो आप इस पे ऑनलाइन अर्निंग ये कर सकते हो कि फेसबुक, हर कोई जानता है कि फेसबुक किस तरह उस पे काम करते हैं, तो आप लोग ये करो कि फेसबुक पे जाके एक दो आध कोई अच्छे से 2D 3D मॉडल बना लो घर वगैरह के प्लाजा के, तो उसमें यह है कि आप ये करके कि जाके उस स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दो अपनी आईडी पे, ग्रुप्स में, पेजेस पे, कहीं भी आप कर सकते हो, तो वहाँ आप बता दो कि आप यार मैं ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरी ईमेल वगैरह एड्रेस है, मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं बना आपको मार्केट रेट पता होगा कि पाकिस्तान में क्या मार्केट रेट है वगैरह वगैरह,
इसी तरह जो इंडियन है तो उसको सबको अपनी कंट्रीज़ का पता होगा, तो आप लोग जाके उसमें ये कर सकते हो कि ऑनलाइन उस पर अगर कोई 100 पे बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप 60-70 का कर दो, नीचे से जाओ कोई नहीं। तो आप ज़्यादातर लोग अभी ऑनलाइन तो फेसबुक तो हर कोई पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम पे हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह अपनी मार्केटिंग कर सकते हो कि यार मैं ऑपरेटर हूँ। अब ज़रूरी नहीं है आपको पहले दिन कोई ऑफ़र आ जाएगी, मतलब कस्टमर के यार मैंने करना है, आप करते रहो अपना प्रैक्टिस करते रहो। देखो ऑटोकैड का एक ये भी है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोकैड पे उस तरह कंट्रोल ज़्यादा रहता है, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आप हफ्ते में एक दो बार करते रहो, कोई नहीं हर कोई करता है, तो आप इस तरह अपने आप को कोई ना कोई कहाँ से कहीं ना कहीं से आ जाता है। फाइवर पे ये है कि फाइवर एक ऑनलाइन आप उस पर अर्निंग कर सकते हो, तो वहाँ पे आप अपने गिग्स बनाओ और गिग बनाओ वहाँ पे आप डाल दो उस पर, और आपको अगर आगे जैसे ये क्या कहते हैं OLX वगैरह का रहता है, इसी तरह आप फाइवर पे वहाँ पे आप सेल परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने डाल के कस्टमर आएंगे, आपको कहेंगे कि यार मैंने इतने पे करना है, आपने कितने पे करना है, आपने रेट बताया होगा फॉर एग्जांपल, वो मैं आपको डिटेल में पहले एक दिन बताऊंगा कि फाइवर पे किस तरह करते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ईजी है, इसमें आपने ये है कि एक दो तीन चार कोई बना के आपने अपलोड कर देनी है और इधर उधर शेयर करनी है, पोस्ट करनी है, कोई आ जाए तो उसके साथ डील करो। अब लास्ट वाली ये है कि एकेडमी। अब एकेडमी का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं आप जाके कोई सिटी में कोई बड़े से प्लाजे में आप जाके कोई अच्छा सा सेटअप रख के आप शुरू करो, कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे आपको क्या पता आपको अर्निंग होगी नहीं होगी तो आपके। लेकिन ये है कि आपने अगर देखो आपने अगर बिजनेस करना है तो आपने इन्वेस्ट भी करना है, तो एकेडमी का ये है कि आप अपने घर से शुरू करो। अपने घर से ये है कि कोई टेक्निकल कॉलेजेस होंगे जहाँ से आपने पढ़ा है, जहाँ से आपने इंजीनियरिंग की है, तो वहाँ पे जाके एकेडमीज में जाके आपने ये कहना है कि यार अब कॉलेजेस में ऑटोकैड नहीं सिखाते, तो आप कहो कि यार मैं ऑटोकैड सिखा रहा हूँ। आप अब ये है कि आप अपने घर में कोई गेस्ट रूम में शुरू करो आराम से, या कई ऐसी जगह से शुरू करो जहाँ से मतलब दोस्त वगैरह की कोई जगह हो कि यार मैंने यहाँ से एक दो एडवर्टाइजमेंट करके किया यहाँ पे, फिर अपने कस्टमर ढूंढो ऑनलाइन भी उस पर करो कि यार मेरी एकेडमी ऑनलाइन आप उस पर कर सकते हो कि यार को हाँ मतलब हमारे सपोज़ अगर मैं पेशावर को हार्ट यहाँ से हूँ तो आप वहाँ पे कर सकते हो कि उसके लोकल एरिया को टारगेट करो, या अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी जहाँ से भी हो तो वहाँ पे अपने टारगेट करो कि यार मैं ऑटोकैड सिखा रहा हूँ आपको, एकेडमी है मेरी, आप आया करो, मैं इसमें अगर आप कोई 1000 ले रहा है तो मैं 300 ले रहा हूँ, 500 ले रहा हूँ, देखो आपका इसमें कोई कुछ नहीं जाता। एक रूम होगी उसमें एक दो सेटअप मतलब लैपटॉप वगैरह रख लो, या वो भी नहीं तो अपने कस्टमर को कहा करो कि आप साथ में कुछ लाया करें। एक आज से आप कर सकते हो, एक दिन तो आपको 100-150 बंदे तो नहीं आने, तो शुरू से आप एक पे भी कर सकते हो, उसके साथ साथ फिर करते रहो। अगर आपको लगता है कि मेरी एकेडमी चल रही है आगे बढ़ रही है तो उस पर करो, कंटिन्यू रखो। तो आई थिंक ये 5-4 पॉइंट जो थे, इसमें से आप कोई भी मुझसे अगर कोई पूछे तो आपने कौन सा मैंने प्रेफर करना है, तो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग, और ये वाला भी बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, और ये एकेडमी का, तो इसमें से फिर ये टॉप पे है। तो अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कहाँ से कहाँ। अब इसमें ये है कि जो घर में बैठा है ज़रूरी नहीं, आप अगर जॉब भी कर रहे हो पार्ट टाइम ये कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के साथ ऑटोमेटिकली आपका होगा कि यार मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आप मैं अगर सर्विस भी हो, लेकिन अगर कोई भी कस्टमर हो तो मैं दूंगा आपको लालच दे के आप कर सकते हो अपना ओन बना के कि यार मैं इंजीनियर हूँ, और लोगों को पता होता है तो जो भी चाहता है तो मेरे ये रेट्स हैं मुझे बताया करो, सस्ते रेट में प्रोवाइड करूँगा। ऑनलाइन करो वैसे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, एकेडमी का ये है कि फिर आप अगर जॉब पे हो तो नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।